क्या आप जानते हैं कि COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस से जुड़े कितने सारे शब्दों को हमारे वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी इंग्लिश लैंग्वेज की डिक्शनरी है, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की, जो कि हमारे वर्ल्ड की सबसे बड़ी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज की डिक्शनरी होती है, उसमें कोरोना वायरस से संबंधित कई सारे शब्दों को जोड़ा गया है। इन सभी शब्दों से जब से ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई है, इन सभी शब्दों से हम लोग परिचित हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि ये शब्द अब हमारे डिक्शनरी में भी अब हमें देखने को मिलेंगी। बताते चलती हूँ कि कोरोना जो आपकी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, इसमें हर साल कम से कम 4 बार अपडेशन होता है, मतलब ये अपडेट होता है साल में 4 बार। ये अप्रैल हाल ही में जो आपके अप्रैल 2020 में इसमें अपडेट किया गया है इस डिक्शनरी में, और उसमें कोरोना वायरस से संबंधित यानी कि COVID-19 से संबंधित कई सारे शब्दों को जोड़ा गया है। और ये भी बताते चलूं कि ये सभी शब्द जो हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा, क्योंकि आजकल कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका ISPCS का एग्जाम हो, SSC का हो, रेलवे का हो, CTET हो, UPTET हो, इसमें जो ट्रेडिशनल नॉलेज से ज़्यादा करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, मतलब आपकी हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी के बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन शायद आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स अपने आप को अपडेट रखते हैं करंट अफेयर्स से, तो आपकी कम से कम 70-80% आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इवन जो आपकी वोकैबुलरीज होती हैं, जो शब्दावली आपने जो याद की है, वो भी पुरानी घिसी पिटी वोकैबुलरीज नहीं पूछता है। हमेशा आप खुद को अपडेट रखिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर अगर आपको वोकैबुलरी से खुद को अपडेट रखना है, यानी कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स नए नए जो वर्ड्स आते हैं वो आपको द हिंदू पेपर से आपको मिल जाएंगे। सो द हिंदू का ही एक पार्ट है जो कि मैं आपको बताते चलती हूँ, इसको कुछ शब्द जो हैं कौन कौन से कि एड ऑन हुए हैं हमारे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। तो 2 वर्ड तो ऐसे हैं जिनसे हम पहले से परिचित थे, भले ही हम यूज ना करते थे लेकिन परिचित हम इन दोनों वर्ड से सबसे पहले से ही थे। पहला वर्ड है पेस्टिलेंस। पेस्टिलेंस का क्या अर्थ होता है? ऑफ फैटल एपिडेमिक डिजीज। फैटल एपिडेमिक या पेंडेमिक डिजीज आप कह सकते हैं, बहुत ही घातक वैश्विक महामारी, घातक महामारी या फिर घातक वैश्विक महामारी आप कह सकते हैं। ये शब्द कब यूज हुआ था? 1347 से 1351 के बीच में प्लेग जैसी महामारी जब उत्पन्न हुई थी यूरोप शहर में, यूरोप कंट्री में, तो उस टाइम जो आपका ये पेस्टिलेंस वर्ड यूज किया गया था, जिसको क्या बोलते हैं, उसी समय प्लेग की उत्पत्ति हुई थी, जो कि एक वो भी महामारी है, उस टाइम इस वर्ड को यूज किया गया था पेस्टिलेंस, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा वर्ड है जो सेल्फ क्वारंटाइन जो हम बोलते हैं, सेल्फ क्वारंटाइन, इससे पहले हमने आज तक नहीं सुना था लेकिन अब हम यूज करने लग गए हैं, सभी जानते हैं कि क्वारंटाइन, बट क्या एग्जैक्टली आप इसका मतलब जानते हैं? चलिए समझते हैं। सेल्फ क्वारंटाइन ये भी वर्ड पहले से यूज किया जाता रहा है, लेकिन हमने ऐसी किसी भी वैश्विक महामारी से हमारा सामना नहीं हुआ था आज तक, तभी शायद हमने ऐसे शब्दों का यूज अपने दिनचर्या में नहीं किया था, जो डेली रूटीन में हम बातचीत करते हैं उसमें हमने यूज नहीं किया था। तो सेल्फ क्वारंटाइन ये भी आपके 1878 में 17th सेंचुरी में आपका ब्लैक डेथ नाम की, मतलब उसको माना गया था वहां पे यूरोप के ही एक गांव में हुआ क्या था कि ये जो प्लेग जो आपकी वैश्विक महामारी थी, इसका दूसरा पार्ट आप कह सकते हैं, दोबारा ये दोहराया गया था 1878 में, वापस से ही उतना ही खतरनाक था, जिसमें लोगों ने अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया था। सेल्फ क्वारंटाइन मतलब खुद को पैक कर लेना। अब मैं आपको बताऊंगी, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सेल्फ आइसोलेशन और सेल्फ क्वारंटाइन में फर्क क्या होता है। ये दोनों वर्ड हमने सीख लिया। सेल्फ क्वारंटाइन एक एडजेक्टिव वर्ड है, याद रखिएगा, विशेषण है। अब देख लीजिए कौन कौन से शब्द रिसेंटली आपके ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ऐड हुए हैं। आपको अपडेट रखना होगा खुद को, ऐसा नहीं है कि बस आप मोटी मोटी हिस्ट्री की बुक्स, ज्योग्राफी की बुक्स आपने पढ़ लिया, इंग्लिश ग्रामर की बुक्स पढ़ लिया और आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाएंगे। आपको बिल्कुल भी वो पेपर पल्ले नहीं पड़ेगा अगर आपने करंट अफेयर से खुद को अपडेट नहीं रखा हुआ है। तो चलिए, सबसे पहला है COVID-19। ये सभी को पता है कोरोना वायरस का संक्षिप्त रूप, शॉर्ट फॉर्म आप कह सकते हैं COVID-19, क्योंकि 2019 से इसकी शुरुआत हुई है, सबसे पहले चाइना के वुहान से। तो ये COVID-19 दूसरा ये हो गया। दूसरा शब्द जो ऐड किया गया है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग से आप समझ रहे होंगे, सोशल मतलब होता है सामाजिक और डिस्टेंसिंग मतलब दूरी। तो इस तरीके के जो खतरनाक इन्फेक्शन हैं, जो महामारी है वायरस और बैक्टीरिया से, उससे लोगों से दूरी बनाए रखना,
इस इन्फेक्शन से खुद को या दूसरों को बचाए रखने के लिए अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मतलब लोगों से दूरी बनाए रखना, ठीक है, अगर आप पब्लिक प्लेस पे भी हैं, घर पे भी हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको हमेशा करते रहना है। तो सोशल डिस्टेंसिंग आप समझ गए होंगे, जो सामाजिक जो दूरी, मतलब दूरी बना करके रखेंगे ताकि हम इन्फेक्शन से बचे रहें। दूसरा है सेल्फ आइसोलेशन। अब हम समझेंगे यहाँ सेल्फ क्वारंटाइन और सेल्फ आइसोलेशन में फर्क क्या होता है। देखिए सेल्फ आइसोलेशन क्या होता है, आइसोलेशन इसमें क्या होता है एग्जैक्टली कि जैसे किसी भी इंसान को पता चल जाता है कि वो उसको इन्फेक्शन है, कोरोना वायरस या फिर कोई भी उसको महामारी जो बीमारी है उसको है, ठीक है, उस केस में उसको डॉक्टर क्या करते हैं, हॉस्पिटल में आइसोलेट कर देते हैं, ठीक, आइसोलेशन में रख देते हैं। तो यहाँ पे नोन है, यहाँ पे जो केस है नोन है, मतलब हम यहाँ पे जान रहे हैं उस चीज को कि उसको बीमारी है। तो इस केस में या तो अगर कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल में है तो उसको आइसोलेशन में रखा जाता है, और या फिर घर में ही क्या किया जाता है, उसको आइसोलेट, मतलब वो आइसोलेट हो जाता है बिल्कुल एक अलग कमरे में, बाकी अपने फैमिली मेंबर से हट करके बिल्कुल अलग कर लेता है खुद को, ताकि उसकी वजह से दूसरों को, उसके घर वालों को या फिर आसपास के लोगों को इन्फेक्शन ना हो। तो वो कहलाता है सेल्फ आइसोलेशन। आप समझ गए होंगे यहाँ पे उसको बीमारी है। अगर बात करेंगे सेल्फ क्वारंटाइन की, तो सेल्फ क्वारंटाइन में उसको अभी पता नहीं कि बीमारी है या नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि लोग इस बीच दूर से आते थे तो उनको 14 दिन के लिए, 14 डेज के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाता था। तो इस केस में यहाँ पे बीमारी का जो कारण, मतलब अभी सिम्टम्स अपीयर नहीं हुए, लक्षण नहीं दिखे हैं, उस केस में 14 दिन के लिए इसलिए क्वारंटाइन कर दिया जाता था, उसी तरीके से अलग कर दिया जाता था, ताकि जो कोरोना के लक्षण हैं वो 14 दिन तक अगर अपीयर होने रहते हैं, अगर दिखने होने रहते हैं तो दिखने लग जाते हैं। अगर उसको कोरोना वायरस है तो 14 दिन के अंदर वो लक्षण उसको दिखाई देंगे, लेकिन अगर नहीं है तो नहीं दिखेंगे। तो वही हो गया सेल्फ क्वारंटाइन, मतलब खुद को अलग कर लेना औरों से, अपने घर में ही अगर आप खुद को अलग कर लेते हैं, खुद को कहीं बाहर से अगर आप आ रहे हैं तो इस केस में क्या होता है, अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया जाता है। वो यहाँ पे डिफरेंस आप समझ गए होंगे आइसोलेशन और क्वारंटाइन में। नेक्स्ट देख लेते हैं एल्बो बम्प। एल्बो बम्प क्या होता है, देखिए जब हम किसी से मिलते हैं, जब ग्रीट करते हैं तो जनरली हम हैंडशेक करते हैं या फिर एम्ब्रेस यानी कि गले लगते हैं, ठीक है। अब इस इन्फेक्शन से, कोरोना वायरस जैसी बीमारी से बचने के लिए एक वर्ड मतलब दिया गया है और लोग आजकल यूज भी कर रहे हैं, एल्बो बम्प, मतलब अपने एल्बो को स्लाइटली, मतलब दो लोग अपने एल्बो को स्लाइटली अगर एक तरीके से हिट करते हैं, हैंडशेक के बजाय अगर एल्बो को हिट करते हैं तो वो कहलाता है एल्बो बम्प। आजकल ग्रीटिंग इस तरीके से हो रही है, बहुत नई चीज है हमारे लिए, शायद हमने यूज नहीं किया, बट फॉरेन कंट्रीज में पीपल आर यूजिंग, वो यूज कर रहे हैं एल्बो बम्प। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इंफोडेमिक। इंफोडेमिक दो वर्ड से मिलके बना है, इंफॉर्मेशन प्लस एपिडेमिक या फिर पेंडेमिक। एपिडेमिक महामारी, पेंडेमिक वैश्विक महामारी होती है। तो किसी भी महामारी या वैश्विक महामारी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, इन्फोडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फोडेमिक कहते हैं महामारी या फिर वैश्विक महामारी के इन्फॉर्मेशन को। नेक्स्ट है WFH। WFH क्या है, देखिए इस कोरोना ने हम सभी को नई टेक्नोलॉजी, हम बिल्कुल टेक्नो सेवी हो गए हैं, टेक्नोलॉजी अब हम लोगों को हर चीज पता चल गई है, जो चीज हम शायद बस व्हाट्सएप फेसबुक चलाना जानते थे अब हमें कई सारी चीजें पता लग गई हैं। वो क्यों पता लग गई है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम, तो ये वर्क फ्रॉम होम का ही शॉर्ट फॉर्म है, ये भी वर्ड आपके एड हुआ है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, वर्क फ्रॉम होम, WFH, ठीक है, WFH। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, हमें घरों में रहना था, तो ये सभी चीजें, अब तो सारी चीजें धीरे धीरे हालांकि खुलने लग गई हैं, तो बट फिर भी ऐसा नहीं है। अब देखिए आने वाले टाइम में भी अगर सब कुछ नॉर्मल हो भी जाता है तो भी ये कंटिन्यूएशन जो है वर्क फ्रॉम होम की ये बनी रहेगी, मतलब हो सकता है कि आपको अल्टरनेटिव इस तरीके से काम करना पड़ जाए। नेक्स्ट है PPE देख लीजिए, PPE किट आपने सुना होगा, PPE का फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, पर्सनल मतलब एक व्यक्तित्व, प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा, और इक्विपमेंट मतलब उपकरण, पीपीई किट। हालांकि ये तो मेडिकल टर्म्स हैं जो कि आपके डॉक्टर्स वगैरह ही यूज करते थे, लेकिन अब सभी इस टर्म को यूज करने लगे हैं। पीपीई किट क्या है, खुद की सुरक्षा के लिए जो हम उपकरण यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पीपीई किट। पीपीई किट में क्या क्या आता है, मास्क आ जाएगा, ठीक है, सैनिटाइजर आ जाएगा, फेस शील्ड आ जाता है जो मास्क भी रहता है और उसमें फेस को भी कवर किए रहता है जो प्लास्टिक के तरीके से रहता है, तो वो कह सकते हैं आप पीपीई किट, जिसमें आपके सैनिटाइजर, मास्क और नैपकिन वगैरह ये सभी चीजें होती हैं।
तो इसको क्या बोला जाता है, पीपीई किट। पहले ये मेडिकल टर्म्स मतलब इस तरीके से यूज होता था हॉस्पिटल्स वगैरह में, बट नाउ सभी लोग इस टर्म से क्या है परिचित हैं। तो ये सभी वर्ड्स आप खुद याद रखिएगा। सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजेशन हम पहले कहाँ यूज किया जाता था, नहीं जानते थे, लेकिन आज हर जगह इसकी चर्चा है कि हाँ ये सैनिटाइज हुआ है कि नहीं। बाहर से हम कुछ लेके आते हैं तो पहले क्या करते हैं, सैनिटाइज करते हैं, ठीक है। हैंड वॉश मतलब हैंड सैनिटाइजर, हाथ को भी सैनिटाइज करते हैं। तो इस तरीके से आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पे आप सैनिटाइज मतलब प्रॉपरली सैनिटाइजेशन हुआ है या नहीं, ये सभी चीज़ें चेक करते हैं। क्या होता है सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजेशन यानी कि अगर मतलब बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री, अगर किसी प्लेस को आप सैनिटाइज कर रहे हैं दैट मीन्स कि आप बैक्टीरिया फ्री उस जगह को बना रहे हैं, ठीक है, ताकि वहाँ पे भी कोई भी जीवाणु जो कि आपके बैक्टीरिया वायरस होते हैं कोई भी बिल्कुल क्लीन हो। क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन में यही फर्क है। देखिए क्लीनिंग तो हम जनरली, वैसे भी जब बीमारी नहीं थी तो भी हम क्लीनिंग यानी कि साफ सफाई का ध्यान रखते थे, बट सैनिटाइजेशन इज डिफरेंट थिंग। सैनिटाइजेशन क्या है, उस तरीके से हम क्लीनिंग करेंगे ताकि वो प्लेस या हमारा जो हम हाथ हैंड सैनिटाइज करते हैं ताकि बिल्कुल वो बैक्टीरिया और वायरस फ्री हो जाए। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि कम से कम 20 सेकेंड तक हाथ को प्रॉपरली धुलें, तभी वो सैनिटाइजेशन कहलाएगा। और सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है ताकि आप प्रॉपरली आपका हाथ जो है सैनिटाइज रहे, बिल्कुल बैक्टीरिया और वायरस फ्री रहे। तो आई होप ये सभी वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे। यूज तो हम सभी कर रहे हैं बट एग्जैक्टली हमें जानना होगा कि इन सभी का यूज कहाँ होता है। और वन मोर थिंग, ये आप ध्यान रखिएगा कि अप्रैल 2020 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अपडेट हुआ है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को अपडेट किया गया है जिसमें ये सभी टर्म्स को ऐड किए गए हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है आपको। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है उनको मिलती रहे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित मैंने कई सारे वीडियोज अपलोड किए हैं और आगे भी वीडियोज अपलोड करती रहूंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ, यूनिवर्सल जूही चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।